नॉर्थ ईस्ट में मंदिर क्यों बनाए, अर्थात ईशान कोण में मंदिर बनाना क्यों बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ईशान कोण देवताओं का स्थान होता है, हमारे सिर की जगह होती है, हमारे मस्तिष्क की जगह होती है, और यहाँ पर मंदिर बना देने से इंसान अपने आप से जुड़ने लग जाता है, अध्यात्म के रास्ते अपने आप को समझने लगता है, और जब वो अपने आप को समझने लग जाता है तो जीवन में होने वाली जो गलतियां हैं उनके प्रति वो सचेत रहता है। और यही ईशान कोण में मंदिर बना देने से इंसान कभी भी अपने जीवन के लक्ष्य का रास्ता नहीं भटकता, वो रास्ता भूलता नहीं है, साथ ही उसमें सही और गलत को परखने की समझ बहुत अच्छे से पनप जाती है। यानी अगर कोई इंसान गलत बोल रहा है तो उसका दिमाग इतना सचेत रहता है, इतना एक्टिव रहता है कि वो उस गलत बात को बहुत अच्छे से समझता है कि यहाँ पर कौन सी चीज गलत कही जा रही है और मुझे उसको किस तरीके से काट करके, प्यार से काट करके आगे बढ़ जाना चाहिए। ईशान कोण में मंदिर बना देने से आप आध्यात्मिकता की तरफ और साथ ही संसार की जरूरतों को बहुत अच्छे से समझते हैं, और इस दिशा में मंदिर बना देने से आपके घर में कभी पितृ दोष नहीं पनपता। यदि घर में कोई पितृ दोष होता भी है तो वो आपको नेगेटिव रिजल्ट नहीं देता, और आपको खुद समझ में आने लग जाती है कि मुझे किस तरह से अपने घर के अंदर कौन सा सामान खरीद के लाना चाहिए जिससे मेरे घर में कोई निगेटिव एनर्जी ना क्रिएट हो। और इसी के साथ साथ जब भी जन्म कुंडली के अंदर चौथे भाव में बृहस्पति देव आकर के बैठ जाएं तो वो उच्च के कहे जाते हैं, और उच्च का बृहस्पति यदि पूरी तरह से अच्छा है तो जातक को इस जहां से भी तारता है और उस जहां से भी इंसान को तारत के रखता है। इसीलिए जब भी आप मंदिर बनाएं घर के ईशान कोण में ही बनाएं, और ध्यान रखें मंदिर के ऊपर मैंने एक विशेष तौर पे वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, आप उसे जरूर देखिए ताकि आप अपने जीवन में सही मार्ग पर चल सकें, कभी अपने जीवन का रास्ता ना भटके। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।